क्यों भाग रहे हैं कांग्रेस पार्टी और क्यों लोग कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। नासिर जुनैद में हमने भी सरकार से लेटर भिजवाया था हमारी पंचायत समिति से, उसमें मोनू मानसर को अरेस्ट कर लिया है और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, अब दोषी भी करार दे दिया गया है। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी न्यूज देख रहे हैं, अजय कोहली के साथ। बताना चाहूंगा इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान होंगे नगर पंचायत समिति के प्रधान डॉक्टर आरिफ खान, जिनका परिचय मैंने आपको दे दिया है, पेशे से डॉक्टर भी रहे हैं जी। पहले अपने परिचय अपने अपने मुख से हमारे व्यूवर्स के लिए दे दीजिए। नमस्कार अजय जी, आपका और आपके चैनल को देखने वाले सबको मेरा सलाम और नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर आरिफ खान है, मेरा हॉस्पिटल है अलवर में और अभी हाल में नगर से मैं प्रधान हूँ और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ विधानसभा कामा से विधानसभा चुनाव लड़ने की कांग्रेस टिकट से। जी अरिफ जी, जैसे आपने कहा कि मैं कामा से विधानसभा चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले अभी एक और लिस्ट जारी हुई थी जिसमें आपने नगर से भी आवेदन किया था कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखो किसी को भी राजस्थान में कहीं से भी लड़ने का हक है। मैंने नगर से भी अप्लाई किया है, मैंने कामा से भी किया है और दोनों विधानसभा हमारी रिश्तेदारियाँ आपस में, हमारी विधानसभा दोनों टच में भरतपुर जिले में, दोनों मेप कम्युनिटी की हैं, हमारी कम्युनिटी की हैं, हमारे लोग उधर भी रहते हैं इधर भी रहते हैं, ये तो एक लाइन खींची हुई है, एक लाइन बॉर्डर लाइन सरकार ने खींची हुई है, लेकिन हमारे रिश्ते हैं आपस में, सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हमारी पंचायत समिति जो नगर है उसका नाम भी अभी तक ऑन डॉक्यूमेंट नगर पहाड़ी नाम से है, तो ये तो सरकार ने एक लाइन खींची है, नहीं आपस में सबकी एक साथ रहती हैं और एक साथ सबका आना जाना होता है। प्रधान जी देखिए, जब आपने सेवाएं नगर में दी हैं, आप यहाँ से नगर पंचायत समिति के प्रधान हैं, तो क्या लगता है कि जो कामा की जनता वो इन चीज़ों को समझ पाएगी? क्या ये नहीं कहेगी कि नगर में वो प्रधान है तो नगर में सेवाएं दे रहे हैं तो वहीं से चुनाव क्यों नहीं लड़ते? मैंने नगर में सेवाएं दी हैं तो मैं कामा में सेवा देना चाहता हूँ, वहाँ भी अपने लोग रहते हैं, मेरे लोग रहते हैं और मेरा जो पुराना गाँव है वो छपराई है, तो मैं ऐसा नहीं, मैं अलवर भी सेवाएं दे रहा हूँ, तो मेरा हॉस्पिटल है तो लोगों के अलवर में सेवाएं दे रहा हूँ, मैं नगर में सेवाएं दी हैं, बहुत अच्छा काम किया है हमारी पंचायत समिति के थ्रू और राजस्थान सरकार ने, पूरे राजस्थान बहुत अच्छा, उसका बेस लेके हम राजस्थान सरकार ने, गहलोत सरकार ने जो काम किए हैं उसको हम अपना आधार रखकर वहाँ चुनाव लड़ेंगे। अच्छा देखिए, जायदा जी के सामने आप टिकट मांग रहे हैं, वहाँ अभी वो राज्य मंत्री है, शिक्षा राज्य मंत्री है, तो उनके सामने टिकट मांगना अपने आप में ऐसा नहीं लगता है कि पार्टी कहीं ना कहीं उनको इग्नोर नहीं कर पाएगी? और आपको क्या लगता है, कैसे उम्मीद आपको लगी कि जायदा जी को पीछे रख के पार्टी हमको टिकट देगी? जायदा जी बहुत सम्मानीय नेता है, बहुत बड़ी नेता है और हमारी पार्टी में दो बार विधायक रह चुकी है। हाँ, अभी गहलोत सरकार या कांग्रेस पार्टी को निर्णय ले सकती है कि जायदा जी को, राजमंत्री जी को कोई ऊंचे ओहदे पे पहुंचाए, क्योंकि कई बार हो चुका है, क्योंकि तिजारा से हमारे दुर्रू मियाँ जी को विधानसभा टिकट नहीं देकर राज्यसभा में पहुंचाया था, हमारी राज्य मंत्री जायदा जी ऊंचे कद पर हैं, राज्य मंत्री हैं, हो सकता है वो राज्यसभा कुछ सरकारों के शिफ्ट करें, अगर मुझे मौका मिला उनको शिफ्ट किया तो ही मैं चुनाव लड़ूंगा कांग्रेस पार्टी से, नहीं तो मैं कांग्रेस पार्टी को जायदा जी के साथ मजबूत करूंगा, उनके साथ रहूंगा, नगर में साथ रहूंगा और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। यानी कि अगर टिकट नहीं देती है पार्टी तो आप पार्टी के किसी भी, चाहे नगर की बात हो, कामा की बात हो या फिर ऑल हरियाणा की, हमेशा पार्टी के साथ हमेशा एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। तो अभी आपके मुद्दे क्या क्या है चुनाव लड़ने को लेकर? देखो चुनाव लड़ने के मुद्दे हैं हमारे नगर और कामा, कामा में दिल्ली से बहुत नज़दीक है, आजकल जो रोजगार है हमारे कामा नगर में बहुत कम रोजगार के साधन है, इतने बड़ा हाईवे है दिल्ली से टच है लेकिन रोजगार के साधन नहीं है। दूसरा शिक्षा, एजुकेशन हमारे इस एरिया में, मेवात एरिया में बहुत ही कम है, एजुकेशन से ही सब आधारित है, आज एजुकेशन नहीं होती तो मैं डॉक्टर नहीं होता, मैं प्रधान नहीं होता, अगर एजुकेशन है तो किसी नेता की किसी को जरूरत नहीं है, अगर आपने एक बार एजुकेशन फील्ड को, आज रोजगार के लिए जाएगा, एजुकेशन के लिए मेरा बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि एजुकेशन में आदमी हर चीज़ को आगे ले जा सकता है, बिजनेस में या नौकरी में, पॉलिटिशियन में, आजकल आप एजुकेशन तो आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते ज़माने में, आप वो ज़माना नहीं रहा कि आप अनपढ़ आदमियों को किसी को आगे कर दोगे, और आज नए युवाओं को क्या सर ये कोई भी पार्टी क्यों लड़ना चाहती है कि नई सोच होती है, उसके नए एम होते हैं, उनका नया विजन होता है, तो उसी नए विजन, मेरे कुछ विजन हैं जिनको मैं लेकर गाँव विधानसभा में लोगों के बीच में जाऊँगा और मैंने अभी कुछ गाँवों में जाना स्टार्ट भी कर दिया है, सभी गाँव सब लोगों के पास जाऊँगा और
सबके लिए अपना विजन रखूंगा कि मुझे क्या करना है। जैसे आपने कहा कि मुझे शिक्षा पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, अभी आप ही की पार्टी की वहाँ आपके जो कामा हैं वहाँ कामा से अभी विधायक है, शिक्षा मंत्री हैं, तो आपने कहा कि शिक्षा, तो अभी जिस तरह अगर हम शिक्षा मंत्री वहाँ दिया है उसी क्षेत्र के इलाके को दिया है, पार्टी ने दिया है, तो अभी वहाँ शिक्षा के अगर हालात ठीक नहीं हो पा रहे तो फिर कैसे होगा, कैसे उम्मीद पार्टी के लोगों से उम्मीद रखेगी? अपना अपना अच्छा होता, उन्होंने भी बहुत बेहतर करने का कोशिश की है, हो सकता है मैं उनसे और बेहतर करने की कोशिश करूँ। उन्होंने भी, राज्य सरकार ने हमको शिक्षा मंत्री दिया, शिक्षा के बहुत अच्छे वो भी हुए, लेकिन अभी शिक्षा का जो एजुकेशन का जो हमारे इस एरिया में जो एक मॉडल है वो ठीक नहीं है। एक जो एक आदमी पढ़ाई कर रहा है, लिया टेंथ कर लिया, ट्वेल्थ कर रहे, वो एक बेसिक जो उनके हुए हैं वो अभी ऐसे नहीं है कि आप किसी को लिए रोजगार के लिए जॉब के लिए जाएँ तो उसके लिए प्रिपेयर नहीं है। बच्चे यहाँ कुछ गलत लाइनों में जा रहे हैं, कुछ और जा रहे हैं कहीं और रास्तों में जा रहे हैं, तो उसको एजुकेशन को एक अच्छा वो नहीं मिल रहा है। तो मैडम ने बहुत अच्छा काम किया एजुकेशन में, और हम भी एजुकेशन उससे और बेहतर करना चाहेंगे। आप चाहते हैं कि अगर मुझे मौका मिला तो जिस तरह अभी शिक्षा मंत्री जी वहाँ पे हैं, शायद जो उनसे नहीं हो पा रहा है वो हम कर सकते हैं, ऐसा आपका मानना है? जी। एजुकेशन में आपका क्या मानना है कि किस तरह का स्तर होना चाहिए, किस तरह से वहाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, स्टडी के लिए टीचर्स की क्या कमी है, और हायर स्टडी के ऊपर अगर हम बात करें तो हायर स्टडी का वहाँ जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा डाउन है, जिसकी और बच्चे जो हैं वो प्रेरित नहीं हो पा रहे हैं, क्यों, किसके हाथ में ऐसी कमान जानी चाहिए, कैसे कैसे? देखो, एजुकेशन का एक रूटीन एजुकेशन कर लिया ऐसे नहीं, एजुकेशन में हमारे यहाँ इस एरिया में मेवात एरिया में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। जैसे बच्चे ने टेंथ ट्वेल्थ किया कि इसको दूर जाना पड़ रहा है, तो कॉलेज तो ऐसे बहुत खोल दिया हमारी सरकार ने खोले हैं, ऐसे कॉलेज नहीं है कि आपको टेक्निकल चीज़ें मिलें, क्योंकि हमारे यहाँ लोग बहुत टेक्निकल हैं, ITI, IIT ऐसे लोग, ऐसी अब तो हाईवे भी है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर आएंगी तो लोगों में, हमारे यहाँ के लोग बहुत हुनर है, बहुत अच्छे यहाँ IAS भी निकलते हैं, डॉक्टर भी हैं, मेरे परिवार में ही 6 डॉक्टर हैं, और मेरे रिश्तेदारों में भी आसपास के एरिया में अभी एक हमारा IAS निकला है, कोई कितनी बड़ी जाए IIT में निकले हैं, बहुत अच्छा हुनर है, लेकिन उनको यहाँ एक वो मिले स्किल डेवलपमेंट करने के लिए कुछ ऐसी सोर्स मिलें जिससे कि उनको वो उस प्रकार की एजुकेशन दी जा सकती है। यानी कि अभी यहाँ इदारों की कमी है, यानी कि आप मान सकते हैं कि जैसे यूनिवर्सिटी को, तो मुझे भी लगातार ये मेरा सवाल भी रहा है कि एजुकेशन को किस तरह बढ़ाया जा सकता है, हर एक प्रत्याशी से भी मैं ये बात करता हूँ। टेक्निकल चीज़ें आए, जैसे पॉलिटेक्निक है, IITs भी आए, IITs भी आए, तो काफ़ी हमारे यहाँ के आसपास BTEC के ब्रांचेस होते हैं, BTEC वगैरह, मैनेजमेंट के कोर्स, पैरामेडिकल के, इन सभी को लाने की बहुत ज़रूरत है। और साथ ही मैं इस पे बात करना चाहूँगा, अभी जो इलाका है वहाँ कामा का, तो उसमें कई पार्टियाँ वहाँ से मतलब अपने दिखा रही है, मजबूती दिखा रही है, तो वहाँ पे कांग्रेस को आप कहाँ पे देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का वहाँ कई प्रोग्राम्स में देखा गया कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वहाँ विरोध होने लगा है। देखो, वहाँ कांग्रेस पार्टी बहुत प्रबल दावेदार में है, क्योंकि लोग क्यों भाग रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, और क्यों लोग कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और कांग्रेस पार्टी का बहुत दावेदारी से वहाँ सीट निकलेगी, और लोग विरोध कर रहे हैं, हो सकता है कुछ पर्सनल हो उनका, वो अपनी जगह, मैं नहीं मानता कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो अपनी जगह सही विरोध कर रहे हैं, वो उनका उनका मानना है कि वो, हो सकता है मैं जो मान रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग क्या है, उनके अकॉर्डिंग जो बता रहे हैं कि विरोध करना उनके, हो सकता है उनकी सोच है गलत सही के लिए। और रही बात कांग्रेस सरकार की, कांग्रेस सरकार बहुत मजबूती से और बहुत बहुमत से वापस रिपीट करेगी, क्योंकि गहलोत सरकार ने जो काम कराए आज तक ऐसे काम नहीं हुए। नासिर जुनैद मामले पे भी जो इलाके के लोग वो कहीं ना कहीं नाराज़ हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से राजस्थान में उदयपुर में एक घटना हुई उसमें लोगों को कितना सम्मान मिला, उदयपुर वाली घटना में और नासिर जुनैद जिसमें दो परिवार उजड़े, वहाँ पर वो सम्मान नहीं दे पाई राजस्थान सरकार। हाँ, नासिर जुनैद में हमने भी सरकार से लेटर भिजवाया था, हमारी पंचायत समिति से सभी विधायकों ने मांग रखी थी, और उसमें जो सम्मान नहीं मिल पाया राज्य सरकार से अभी, लेकिन हाँ उसमें मोनू मानसर को अरेस्ट कर लिया है और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, अब उसको दोषी भी करार दे दिया गया है, और हम भी ये चाहते हैं सरकार उनको और अच्छा कुछ मुआवजा या कुछ दे जो नहीं दे पाए अभी सरकार, और भी कुछ दे। अभी आप नगर से प्रधान हैं, तो क्या कुछ अभी आपने नगर के लिए दिया है प्रधान होते थे? नगर में मैंने सबसे पहले कब्रिस्तान और शमशान घाट, इनको मेरी प्राथमिकता पर रखा है। सेकंड नंबर में जितने भी स्कूलों में जो जिन्हीं ग्रामवासियों में मांगा है वहाँ पर कक्षा निर्माण किया है मैंने, ये सबसे मेरे प्रोजेक्ट काम रहे हैं। फिर गांवों में इंटरलॉकिंग है, नाले हैं, CC रोड हैं, काफ़ी काम हमारे यहाँ से नगर पंचायत समिति से हुए हैं कि
पिछले 2 सालों से कोरोना नहीं हो पाए थे, लेकिन हम कोरोना के बाद ही बने थे और हमने काफ़ी काम हमारी इस कार्यकाल 2 साल के कार्यकाल में किया है। क्या जनता के लिए एक मैसेज देंगे और नौजवान जो आज भटका हुआ है उसे किस तरह एक लाइन पे, एक ट्रैक पे लाया जा सके? मैं नौजवान से यही कहना चाहता हूँ कि अपने इन आसपास के एरिया में जाना बहुत हुनर है और उस हुनर का आप अपने एजुकेशन, सबसे बड़ा इसका हथियार एजुकेशन ऐसा हथियार है जिसमें, और ऐसी चीज़ है जिसको बंटवारा नहीं कर सकता। आप पढ़ाई करोगे, आप प्रॉपर्टी इकट्ठी करोगे, पैसा कैसे इकट्ठा करो, उसमें बंटवारा करेगा कोई, लेकिन पढ़ाई की आपने ऐसी कर ली तो उसमें कोई ना बंटवारा होगा, आपके लिए लाइफ टाइम तो आपके साथ रहेगी। तो सब एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दें। और दूसरा, सभी क्षेत्रवासियों को यह है कि मैं कांवा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के लिए उम्मीदवार हूँ। हाँ, अगर विधायक मैडम को टिकट मिलता है तो हम उनके साथ हैं, अगर कांग्रेस पार्टी उनको कहीं ऊंचे ओहदे पर देती है, कहीं और करती है, तो मैं फिर कांग्रेस पार्टी का। आपकी जो उम्मीदें हैं वो इसी तरह से हैं, चाहे तो नगर की बात करें या कामा की बात करें, अगर जो यहाँ पे अभी कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी में हैं, तो उनको अगर ऊपर सरकार लेके जाती है, उनको चेंजिंग कर देती है और वहाँ से अगर आपको मौका देती है, तभी आप चुनाव लड़ेंगे। जी, धन्यवाद। हम आपको बताना चाहेंगे, डॉक्टर आरिफ जी आज हमारे साथ हैं, पंचायत समिति नगर से प्रधान है, सारी बातें उनसे की। उन्होंने बताया कि इस कामा विधानसभा की जो जनता है वो कांग्रेस को पसंद करती है, लेकिन कांग्रेस में अगर अभी जो जायदा जी हैं उनको अगर बड़े अहदे पे, पद पे लेके जाती है कांग्रेस पार्टी, अगर उसे उच्च लेवल पे लेके जाती है, तो वहाँ अगर हमको टिकट का मौका मिलता है तो बिल्कुल वहाँ हाथ का साथ जनता देगी और एक बार फिर से कांग्रेस की वहाँ जो है सीट निकलेगी। वहीं इसी तरह अगर वो बात करें तो नगर की, नगर में भी इसी तरह से उन्होंने आवेदन तो किया, लेकिन उनका कहना है कि मेरा दोनों जगह से मेरा रिश्ता है, मेरा जो पैतृक गांव रहा है वो छपरा रहा है, जहां से मैं संबंध रखता हूं, अभी मैं नगर में प्रधान हूं, तो दोनों जगह से मुझे अपना एक दूसरा जो प्यार है वो दोनों साइड से मुझे मिला है और इसी प्यार की वजह से मैं कामा की ओर जा रहा हूं और कामा में मुझे उम्मीद है कि पार्टी मुझे चुनेगी और पार्टी अगर मुझे वहां कांग्रेस के हाथ के साथ भेजती है तो ज़रूर मैं वहां से सीट निकाल कर लेकर आऊँगा। और उनका कहना है कि चाहे शिक्षा की बात हो या रोज़गार की बात हो, ये मेरे अहम मुद्दे होंगे, जो आज वहाँ युवा है वो भटका हुआ है उसे एक सही ट्रैक पर लाने का मैं काम करूंगा। लगातार आप हमारे साथ देखते रहें। कैमरा पर्सन इस्माइल बनान के साथ मैं आपको अपना जी कुल धन्यवाद।